हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। जैसा कि आज के समाचार पत्र में दी गई सूचना रोजगार शिक्षा से जुड़ी हुई। सबसे पहले सूचना है कि राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के भी 44% पद रिक्त हैं। एलटी ग्रेड 10,000 से अधिक पद खाली हैं। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC को रिक्त पदों का अध्याचन काफी पहले मिल चुका है, लेकिन शासन से हरी झंडी न मिलने के कारण भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। प्रदेश के जो एलटी ग्रेड शिक्षक एवं प्रवक्ता के 28,763 पद स्वीकृत हैं, इनमें से एलटी ग्रेड के शिक्षक के 19,300 और प्रवक्ता के 9,463 पद शामिल हैं। कुल स्वीकृत पदों में से 10,322 पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिनमें 6,365 पद एलटी ग्रेड शिक्षक और 3,957 पद प्रवक्ता के हैं। आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के रिक्त पदों का अध्याचन काफी पहले मिल चुका है। रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी कई बार आयोग में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और ज्ञापन भी सौंपा है। हर बार अभ्यर्थियों को बताया गया कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट होते ही एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था। 5 साल बीत गए लेकिन नई भर्ती शुरू नहीं की जा सकी है। वहीं प्रवक्ता के पदों पर भी भर्ती का लंबे समय से इंतजार है। सूत्रों का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती UPSC ही कराएगा। ऐसे में सिर्फ शासन स्तर पर लेट लतीफी के कारण भर्तियां फंसी हुई हैं। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 2,373 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 1,038 पद खाली पड़े हैं। तो इस तरीके से तमाम सारी भर्तियां खाली पड़ी हैं, लेकिन शासन की मंजूरी की न होने से ये भर्तियां अभी तक शुरू नहीं हो पा रही हैं। जैसा ये बताया गया समाचार पत्र में कि एलटी ग्रेड के 10,000 से अधिक पद रिक्त हैं। अगली सूचना दी गई है कि इलाहाबाद में UG प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। CUT में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प बनने वाले ही करा सकेंगे पंजीकरण। जैसा कि CUT एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसी के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन होने वाला है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुधवार शाम से शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है 28 जुलाई निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कटऑफ अंक जारी किए जाएंगे और दाखिले की खिड़की खुलेगी। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां से प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अगली सूचना दी गई है कि शिक्षकों के 79 पदों पर नहीं मिले दावेदार। सूबे के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 2 शिक्षक भर्तियों में चयन के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने वालों के कारण रिक्त रह गए सीटों पर इन दिनों प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी की काउंसलिंग चल रही है। बुधवार को TGT 2016 के संस्कृत, उर्दू, संगीत, वादन, खेलसी और सारे शिक्षा विषयों के शिक्षक पदों पर काउंसलिंग कराई गई। शिक्षा निदेशालय में चल रही काउंसलिंग के तीसरे दिन 98 पदों के सापेक्ष 120 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन इसमें केवल 19 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। इससे 79 पद रिक्त रह गए। इस दौरान संस्कृत में 61 पदों के सापेक्ष 62 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, इसमें सिर्फ 6 अभ्यर्थी भी पहुंचे थे। इसी प्रकार सारी शिक्षा में 20 पदों के सापेक्ष बुलाए गए 33 अभ्यर्थियों में 7 और कृषि के 9 पदों के सापेक्ष बुलाए गए 16 अभ्यर्थियों में से 5 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होने पहुंचे थे। तो ये जो है जो भर्तियां चल रही हैं इसके बारे में बताया गया है। अगली सूचना है कि नियत परीक्षण अधिकारी के 157 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 18 से होंगे। स्वास्थ्य विभाग में नियत परीक्षण अधिकारी के 157 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने इसके लिए विस्तृत विज्ञापन बुधवार को जारी कर दिया है। इसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन 18 जुलाई शुरू होंगे। आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त है, जबकि शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन 14 अगस्त तक किया जा सकता है। ये भर्तियां आपकी फिर 2022 के माध्यम से होने वाली है, जो कि यूपी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली है। अगली सूचना है कि CUT के 230 सवाल गलत, मेरिट पर असर। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUT स्नातक की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद 27,000 से अधिक आपत्तियां आई हैं। प्रोविजनल फाइनल उत्तर कुंजी पर आई रिकॉर्ड आपत्ति को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 230 सवालों को हटा दिया है। इससे मेरिट पर असर पड़ेगा। वहीं NTA ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। स्नातक परीक्षा 21 मई से 21 जून तक विभिन्न चरणों में हुई थी। अगली सूचना है कि इंटरव्यू के आधार पर 108 और 102 एम्बुलेंस में भर्तियां निकली हैं। ये उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए भर्तियां हैं। जैसा इसमें ये निजी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए भर्ती निकाली गई हैं। पद EME इमरजेंसी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, BTEC होना चाहिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अनुभव 2 से 5 वर्ष का मांगा गया है। MBA हो किसी भी विषय ग्रेजुएट में, PM प्रोग्राम मैनेजर BTEC होना चाहिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग में, यहाँ से 6 से 9 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। टीम लीडर किसी भी विषय से आप ग्रेजुएट हो, BPO में टीम लीडर के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपका रहा हो। दिनांक 17 से 19 जुलाई 2023 समय 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपका जो है कैंडिडेट जिसमें जो इंटरेस्टेड है, पता है इसका 108 में 102 एम्बुलेंस सेवाएं, CP 147 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी निकट पावर हाउस चौराहा आसियाना लखनऊ, इसका जो हेड ऑफिस बताया गया है। तो यहाँ से अगर आप इसमें इच्छुक हैं भर्ती के लिए तो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना दी गई है जो
डेलेट से जुड़ी हुई है कि डेलेट में तीन बार फेल अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत, कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने डेलेट बीटीसी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स की परीक्षा के कुछ सेमेस्टर में तीन बार असफल अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी बजाय राजकीय सर्कुलर का लाभ लगभग 2000 अभ्यर्थियों को देना और सैकड़ों यात्रियों को लाभ में वंचित करना अनुच्छेद 14 के विपरीत एवं विभेदकारी है। कानून के समक्ष समानता हो और सभी को समान संरक्षण मिलना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने साक्षी व 77 अन्य सहित कुल 15 याचिकाओं पर अधिवक्ता कार्तिकेय सिंह, सिद्धार्थ खरे व भारत प्रताप सिंह और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता को सुनकर दिया है। तो इस तरीके से सूचना दी गई है कि जो डेलेट में अगर तीन बार आप असफल हैं तो उसमें जो है आपको कोई परेशानी सामना नहीं करना है। अगली सूचना है कि नगर पंचायतों में ईओ के 355 पदों पर भर्ती होगी। राज्य सरकार नगर पंचायतों में स्थायी अधिशासी अधिकारियों ईओ की तैनाती करने जा रही है। रिक्त 355 पदों के ईओ के पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी है। स्थानीय निकाय निदेशालय स्तर पर इन पदों को भरने के लिए रिक्तों का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश में मौजूदा समय 545 नगर पंचायतें हैं। मात्र 190 अधिशासी अधिकारी ही स्थायी पदों पर तैनात हैं। प्रतिनियुक्ति पर 86 अभियंताओं को रखकर काम चलाया जा रहा है। इस तरीके से उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद उन्हें मूल विभागों में वापस भेजा जाएगा। इससे निकाय में योग्य कमी हो गई है। तो इस तरीके से ये भर्ती आने वाली है आपकी जो 355 पदों पर है। तो दोस्तों ये थी आज की सूचनाएं जो रोजगार शिक्षा से जुड़ी हुई थी। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ताकि आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।